लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। तृणमूल के घोषणा पत्र में महिलाओं, मजदूरों और छात्रों के लिए कई वादे किए गए हैं। पहले चरण के चुनाव से दो दिन पहले टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी कार्यालय में चंद्रमा भट्टाचार्य, डेरेक ओब्रायन और अमित मित्रा ने ये मैनिफेस्टो जारी किया। अपने घोषणा पत्र में पार्टी ने मतदाताओं से 10 वादे किए हैं। सीएए और यूसीसी लागू नहीं होने देगी। बीपीएल परिवारों को साल में 10 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। मजदूरों के लिए 100 दिनों के काम का वादा किया गया है। ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात कही गई है। टीएमसी ने बिना किसी भेदभाव के सभी को घर देने का वादा किया है। राशन कार्ड धारकों को 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा। सभी नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने का वादा किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को प्रति माह 1200 रुपए दिए जाएंगे। मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन की जाएगी। लक्ष्मी भंडार योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का वादा किया गया है। एक बीजेपी परिचालित केंद्रीय सरकार मानुषेर अन्न, वस्त्र, बासस्थान, जेगुलो मौलिक अधिकार সেগুলো কিভাবে তারা ছিনিয়ে নিচ্ছে, অস্বীকার করছে।